तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका ईवी टॉय टीवी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नर्फ फोर्टनाइट सीरीज़ की न्यू गन, जो कि है एक टैक्टिकल शॉटगन। ये गन फोर्टनाइट गेम की टैक्टिकल शॉटगन पर बेस्ड है। इस गन के साथ हमें मिलते हैं 8 मेगा डार्ट। चलो तो अब इसके बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। इसके बॉक्स में हमें मिलते हैं ये 8 डार्ट और हमें मिलती है ये एक स्क्रीन अटैचमेंट, जो कि बस एक गेम की गन का रेफरेंस है। और हमें मिलती है ये एक इंस्ट्रक्शन गाइड, जिसमें गन को कैसे यूज़ करना है बताया गया है। और फाइनली हमें मिलती है ये बहुत ही ज़्यादा बिग साइज़ की गन। सबसे पहले मैं आपको इस गन की स्क्रीन के बारे में बता देता हूँ। ये बस एक शोपीस है, इसका गन की फंक्शनैलिटी में कोई भी यूज़ नहीं है, ये बस यहाँ लगी रहती है। अच्छा, इस स्क्रीन में एक इंटरेस्टिंग मैसेज लिखा हुआ है, जो कि है नर्फ लव्स फोर्टनाइट। अब हम इस स्क्रीन को कर लेते हैं गन से अटैच। अब आपको मैं दे देता हूँ इस गन का फिजिकल ओवरव्यू, फिर हम करेंगे इसकी फायर टेस्टिंग। इस गन के फ्रंट में कोई भी बैरल अटैचमेंट पॉइंट नहीं है, पर इसमें ये डिज़ाइनर नोज़ल लगा हुआ है, जिस पर नर्फ की ब्रांडिंग है। साथ ही इसके नीचे एक और नोज़ल दिया हुआ है, बट ये भी बस एक शोपीस है, इसका कोई यूज़ नहीं है। या फ्रंट पर एक आयन साइट दी हुई है, बट बैक में कोई भी आयन साइट नहीं है। वैसे भी ये एक शॉटगन है, तो इसमें आयन साइट का कोई यूज़ नहीं होता है। शॉटगन का कॉन्सेप्ट ही होता है चारों तरफ गोलियों की बरसात, तो उसके लिए आपको एम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये गन पंप एक्शन पर बेस्ड है, तो ये है इसका स्लाइडिंग हैंडल गन को प्राइम करने के लिए। ये पूरा पार्ट ही इसका पंप स्लाइड है। जब हम इसे प्राइम करते हैं तो ये पूरा पार्ट मूव होता है इस तरह से। अच्छा, जब हम इस पंप स्लाइड को पीछे मूव करते हैं तो बॉटम में ये ब्रीच ओपन हो जाती है, और यहीं से हम इस गन में डार्ट्स को लोड करते हैं। इस गन का साइज़ बहुत बड़ा है, बट इसे प्राइम करना बहुत ही स्मूथ है। ये पंप हैंडल बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है। इसे प्राइम करने में आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली एक 8 साल का बच्चा इसे प्राइम कर सकता है, पर हाँ, वो इतनी बड़ी गन को पकड़ेगा कैसे, वो नर्फ वालों को ही पता होगा। अबे साले, इस गन में एक और हिडन मैसेज है। अगर आप यहाँ फ्रंट में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फोर्टनाइट गेम का कैरेक्टर सिग्नेचर डैप कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ डाली है नर्फ वालों ने फोर्टनाइट फैंस के लिए। इस गन की ग्रिप बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, अच्छी बड़ी ग्रिप है जैसा आप देख सकते हैं, पर ये गन बहुत हैवी है, तो एक हाथ से बहुत देर तक इसे पकड़ कर रख पाना पॉसिबल नहीं है। आपको इसे यूज़ करने के लिए दोनों हाथों का ही यूज़ करना पड़ेगा। आपके कंफर्ट के लिए इस गन में एक स्टॉक भी दिया हुआ है, ये एक फिक्स्ड स्टॉक है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस स्टॉक में दिया हुआ है ये एक हिडन स्पेस, यहाँ आप 4 मेगा डार्ट्स को रख सकते हैं और एक फुल रीलोड कर सकते हैं इस गन का। अच्छा, इस गन में प्राइम अनलॉक बटन भी आता है। जब हम गन को प्राइम कर लेते हैं तो इसे फिर से प्राइम नहीं कर सकते, ये ब्लॉक हो जाती है। कोई भी नर्फ की गन हो, हर गन के साथ ऐसा ही होता है। पर इस बटन को प्रेस करके हम इसकी प्राइमिंग स्लाइड को रिलीज़ कर सकते हैं, और अगर कोई जैम हुआ है तो उसे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही इस गन का ट्रिगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बिल्कुल स्मूथ ट्रिगर है। जैसा कि मैंने पहले भी दूसरे वीडियोज़ में बताया है कि फोर्टनाइट सीरीज़ के गन के ट्रिगर दी बेस्ट ट्रिगर है नर्फ के। अब कर लेते हैं हम इस गन में डार्ट्स को लोड और फिर करते हैं फायर। इस गन का वेट 2.3 kg, मतलब अप्रोक्स 2.5 किलो की गन है ये। 2.5 किलो का हाथ, तो आप समझ सकते हो कितनी हैवी गन है ये। चलो तो अब कर लेते हैं इस गन की फायर टेस्टिंग, लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस गन के लिए मेरी ओपिनियन पॉजिटिव है। इस गन को चलाने में बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि एक तो ये चलाने में आपको फोर्टनाइट गेम की टैक्टिकल शॉटगन की फीलिंग देगी, और अगर आप फोर्टनाइट गेम के फ़ैन हैं तो आपको टैक्टिकल शॉटगन को रियल लाइफ में देखने में एक अलग ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और साथ ही ये गन चलाने में बहुत स्मूथ है, साइज़ बड़ा है पर प्राइम करना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है,
आपको कोई भी एक्स्ट्रा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है प्राइम करने में। तो ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स जो मैंने फेस किए। सबसे मेन इशू जो मुझे लगा कि इसका ये अनप्राइम बटन है वो बहुत ही गलत जगह पर है। जैसा कि आपने फायर टेस्टिंग के टाइम देखा था कि एक डार्ट गन में फंस गया था, तो वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। पर पहले ये बटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जब मेरा डार्ट फंस गया था तो ये प्राइमिंग स्लाइड हाफ पोजीशन में थी और लॉक हो चुकी थी, तो मुझे इस बटन को प्रेस करके अनजैम करना था, पर अनजैम बटन तो खुद स्लाइड के नीचे गायब हो चुका था। तब मुझे नर्फ वाले ये बता दें कि जब अनप्राइम बटन खुद ही स्लाइड के नीचे फंस जाएगा तो फिर लॉक कैसे रिलीज करूँ मैं। अच्छा, एक इशू तो ये हुआ और दूसरा इशू है कि डार्ट फंसा क्यों। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेगा डार्ट हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इलीट डार्ट और ये है मेगा डार्ट। कितना ज़्यादा बड़ा है ये इलीट डार्ट से। और मेगा डार्ट काफ़ी लूज टाइप का भी होता है एज कम्पेयर टू इलीट डार्ट। तो जो पंप एक्शन वाली गन होती हैं उसमें होता ये है कि जब हम स्लाइड को पुल करके फिर से आगे ले जाते हैं तो ये प्लंजर और बैरल के अंदर डार्ट मूव होता है इंटरनल मैगजीन से। और जो बैरल और प्लंजर है उसका साइज़ फिक्स होता है डार्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग। पर अगर डार्ट के पीछे का पार्ट अनशेप हो जाता है, या तो डार्ट पुराना हो गया हो या फिर अगर आपने उसे ज़ोर से प्रेस कर दिया हो, तो जब ये स्लाइड आगे मूव करता है तो अनशेप डार्ट बैरल में जा नहीं पाता है और बीच में जाम हो जाता है। इवन इससे आपका डार्ट भी पूरा बर्बाद हो जाता है, जैसा कि मेरा ये डार्ट हुआ है, इवन इसमें होल तक हो गया है। तो ये एक और दूसरा इशू मैंने फेस किया, बट ये कोई गन का फेलियर नहीं है, ये एक सिर्फ डार्ट का इशू है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इस गन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।